हेलो फ्रेंड, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन टेक संजय भाई को। तो जैसे कि हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मोटर पंप होता है ऑटोमेटिक कैसे ऑन ऑफ होगा। तो जैसे कि हमारा होता क्या है कि हम मोटर को चालू करके भूल गए, मोटर को चालू करके भूल गए, मोटर अपने आप चलता है, पानी भर गया फिर भी मोटर चलते रहता है। तो कैसे ऐसा क्या करें कि जैसे कि हमारा जो मोटर है ऑटोमेटिक बंद हो जाए पानी फुल होने के बाद। तो छत पे क्या होता है, टंकी बैठा दिए और आप चालू करके कहीं पे चले गए या कहीं पे बात करने में बिजी हो गए तो आपको ध्यान से उतर जाता है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जो कि आप सभी को नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लोर स्विच है ये वाला, देख लीजिए। ये फ्लोर स्विच है जो कि मोटर को कंट्रोल करेगा ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे तीन वायर है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। तो ये तीन वायर में कौन सा कनेक्शन करना है, इसी को हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको सॉरी इस तरह से रख लिए हम इसको। और यहाँ पे जैसे कि ये मेरा मल्टीमीटर है, ये देख लीजिए, यहाँ मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं। कंटिन्यूटी पे जैसे पहले से मैं कर लिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जो दिखा रहा है ऊपर में, ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से साउंड आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे हम तीनों वायर को टच करेंगे जो कॉमन है उसको देखने के लिए। देख लीजिए, इसमें ब्राउन और ब्लैक में आ रहा है। फिर इधर चेक कर लेते हैं ब्लू वाले से, अभी किसी में नहीं आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे हम टच कर ले रहे हैं। अब इस स्विच को इस तरह से कर लेते हैं, ऊपर के तरफ करके। देख लीजिए, हमने स्विच को ऊपर के तरफ किया है। अभी करने पे, इस तरह से करने पे ब्राउन में जो है आ रहा है, ब्राउन में आ रहा है और ब्लैक में। इधर दूसरा वाला में चेक कर लेते हैं, ब्लू में। तो ब्लू में कुछ इस तरह से चेक करेंगे, नहीं आ रहा है। तो अब इस स्विच को क्या करेंगे, इस तरह से कर लेते हैं। अभी फिर चेक करते हैं ब्राउन और ब्लैक में तो आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं, तो देख लीजिए ये ब्लैक वाला जो है हमारा, ब्लैक में करने पे किधर भी दोनों तरफ आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो ब्लैक वाला है ये कॉमन है। तो इसमें जो मोटर का जो वायर रहेगा उसको हम लगा देंगे। तो चलिए हम वायर को ज्वाइन कर लेते हैं मोटर में, उसके बाद देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। चलिए, मोटर में हम इस तरह से कनेक्शन कर ले रहे हैं। तो यहाँ सिंपली मैंने जो फ्लोर स्विच का वायर है इसको कनेक्शन कर लिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जो ये वाला जो डायरेक्ट एक वायर आएगा इसमें ब्लू वाला में ज्वाइन कर दिया, और जो एक मोटर का वायर बचा हुआ था एक डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और एक जो ब्लू वाला बचा हुआ है ब्लैक में जोड़ देते हैं जो मोटर से है। तो अभी हम सप्लाई देकर चेक करते हैं कि मोटर स्टार्ट होता है या नहीं। तो जैसे कि हमने ये जो वायर को कनेक्शन कर लिया, इस तरह से कनेक्शन होगा, जो बोर्ड से आया हुआ वायर है उसको डायरेक्ट एक मोटर के वायर में ज्वाइन कर देंगे, एक ब्लैक को इसमें जो मोटर का वायर है उसमें ज्वाइन कर देंगे, और दूसरा जो उसका बचा हुआ है जो सप्लाई आया हुआ है बोर्ड से उसको ये वाला ब्राउन वाला कलर में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हम इसको अभी स्टार्ट करके देखते हैं मोटर को। तो चलिए, हमारा फ्लोर स्विच है, फ्लोर स्विच का ये वायर था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं मोटर को, चलिए सप्लाई स्टार्ट देते। तो जैसे कि मैंने सप्लाई दे दिया है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से है जो फ्लोर स्विच, तो हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी इसको ऊपर के तरफ करेंगे तो देखिए मोटर का साउंड आएगा। तो यानी कि जो ये हमारा था इसका कनेक्शन उल्टा हो चुका है। तो ये वाला जो ब्राउन वाला कलर का वायर है इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको वायर को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, ये मैंने वायर को चेंज कर दिया, ये ब्लू वाला में ये वाला एक मेन को डाल दिया और इसमें डाल दिया मोटर में। तो अब इसको डाउन करते हैं, देख लीजिए। तो ये जो हमारा जो मोटर है स्टार्ट हो गया है, जब इसमें पानी ख़त्म हो जाता है टैंक में तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा ये जो फ्लोर स्विच है इसका कनेक्शन चेंज कर देना है आपको। अगर उल्टा चल रहा है, जैसे ऊपर करने के बाद मोटर चलता है तो आपको वायर को ब्लू वाले में डाल देना है, अगर नीचे को चलता है तो रेड वाले में। जैसे कि अपने हिसाब से यहाँ से वायर को इसी को चेंज करना है, ब्लैक वाले को डायरेक्ट मोटर में देना होता है। इसको बांध देना है इस तरह से, अच्छी तरह से, और इसको इस तरह से रख देते हैं।
जैसे मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए जो हमारा ये फ्लोर स्विच है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए जैसे कि मेरा फ्लोर स्विच अपने ऊपर आया तो ऑटोमेटिक ही मोटर बंद हो चुका है। तो अभी जैसे मैं इसको फिर से नीचे करके ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए मोटर स्टार्ट हो गया। जैसे ही पानी में ऊपर की तरफ आता है तो अपने आप बंद हो जाएगा मोटर। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।